नमस्कार, आप देख रहे हैं 360 डिग्री। मैं शशिकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के महापर्व का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के चुनाव शुरू हो गए हैं। आने वाली 5 दिसंबर 2020 को लूनकरनसर पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव वार्ड मेंबर के होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे लूनकरनसर के वार्ड नंबर 7 की और इसमें होने वाले चुनावों की। कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं। असली लड़ाई इसी बात की है कि लूनकरनसर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से कौन होगा विजयी। तो इसी बीच आज हमारे साथ है लूनकरनसर के समाज सेवी और टाइगर फोर्स के अध्यक्ष श्रीमान महिपाल सिंह जी लखाऊ। महिपाल सिंह जी लखाऊ वार्ड नंबर 7 से पंचायत समिति लूनकरनसर के वार्ड मेंबर के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले महिपाल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महिपाल सिंह जी के बारे में मैं बता दूं कि लूनकरनसर में टाइगर फोर्स नाम से एक संस्था चलती है। उस संस्था के बारे में भी आज हम महिपाल सिंह जी से पूछेंगे, उसकी क्या कार्य रहते हैं लूनकरनसर में। तो महिपाल सिंह जी, पहला मेरा ये प्रश्न आपसे ये है कि आपने राजनीति में कदम रखा है, आपकी शुरुआत है जी, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है पीछे? मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मोहर सिंह जी राठौड़ चूरू विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। और मेरे दादाजी एक राजनेता के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे और मैंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मैंने भी समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। और इसी समाज सेवा के साथ मैंने लूनकरनसर के पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय नामांकन करवाया है और मैं अभी जनता के बीच मेरे वोट की अपील कर रहा हूँ। लूनकरनसर में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान की आज जरूरत है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी लूनकरनसर में वार्ड नंबर 7 से? आप यदि विजयी होते हैं, लूनकरनसर के वार्ड नंबर 7 से आप डायरेक्टर बनते हैं, तो आपकी क्या उद्देश्य रहेगा आगे आपका? लूनकरनसर क्षेत्र में कई समस्याएं काफी सालों से हैं। सबसे बड़ी समस्याएं मनुष्य जीवन के साथ जुड़ी हुई चिकित्सा की है। समस्याएं तो काफी है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य रहेगा कि लूनकरनसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टरों के पद भी रिक्त है, उसके अलावा भी काफ़ी असुविधाएं हैं। मैं चाहूँगा कि हॉस्पिटल में सुविधाओं का अभाव नहीं रहे, निरंतर रोगियों को उपचार मिले। और उसके अलावा लूनकरनसर कस्बे की जो सीवर लाइन की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, बिजली व पानी की जो समस्याएं हैं, उनको मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। महिपाल सिंह जी, जैसे समाज सेवी हैं आप और राजनीति के अंदर आप आना चाहते हैं, तो आगे आने वाले समय में राजनीति और समाज सेवी क्या दोनों एक साथ चल पाएंगे? जी भाई साहब, राजनीति का मूल अर्थ ही सेवा है। राजनीति बिजनेस नहीं है। राजनेता का मूल उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना। राजनीति में रहकर ही समाज सेवा कर सकते हैं। आज के समय में प्रशासन से कोई काम करवाने के लिए, सरकार के साथ चलने के लिए राजनीतिक पद होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लूनकरनसर में प्रधान की सीट आरक्षित है सामान्य के लिए और आप सामान्य कास्ट से हैं, तो क्या आप लूनकरनसर की प्रधान सीट के लिए दावेदारी रखते हैं? जी सर, ये तो आगे की बात है। पहले इस चुनाव में हम फाइट करें, फिर जनता का जो आशीर्वाद होगा उस हिसाब से देखकर आगे का निर्णय करेंगे। यदि आपको लूनकरनसर की वार्ड नंबर 7 से जनता आपको आशीर्वाद देती है वोट के स्वरूप में, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी कि आप प्राथमिकता में कौन सा काम लूनकरनसर में आप करवाने वाले हैं? प्राथमिकता का काम मेरा चिकित्सा जो सुविधा है उसमें सुधार करवाऊंगा। बिल्कुल,
महिपाल सिंह जी, लून करंसर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली 5 दिसंबर 2020 को वोट है, तो आपकी अपील क्या रहेगी? मेरी लून करंसर की जनता से ये अपील रहेगी कि आप पिछले 10 सालों से ये उठा के देखिए कि गांव में कौन नेता गांव में गांव की समस्याओं में आगे आया है, उनका निवारण किया है, और आपको जो लगे कि गांव की समस्याओं में 24 घंटे निरंतर जनता के बीच खड़ा रहता है, आप उसे मतदान कीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह बेट है और बेल्ट नंबर है 6। आप मुझे बेट के निशान पे अपना वोट देकर विजयी बनाएं। लून करंसर में जो टाइगर फोर्स संस्था चलती है उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। लून करंसर में टाइगर फोर्स सेवा समिति तकरीबन 10 साल से अपनी सेवा दे रही है। ये युवाओं का हमारा संगठन बनाया हुआ है। आपातकालीन स्थिति में हमारी संस्था तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर कहीं आगजनी हो गई है, कोई वाहन दुर्घटना हो गई है, कोई पानी में डूब गया है, किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवा में हमारी संस्था 24 घंटे तत्पर रहती है। हमारी संस्था द्वारा एक जन सहयोग से एम्बुलेंस भी संचालित है, रेस्क्यू एम्बुलेंस। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो वहाँ हमारी एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाती है। महिपाल जी, आपकी टाइगर फोर्स संस्था पिछले 10 सालों से लून करंसर में कार्यरत है, जी सर, तो हम चाहेंगे कि उसकी कुछ मुख्य उपलब्धियां जो आपने हासिल की है वो हमें आप बताएं। सर, हमारी टाइगर फोर्स संस्था ने लून करंसर क्षेत्र में 10 सालों में तकरीबन 1500 ज़्यादा घायल गायों को गौशाला पहुंचाकर उनका इलाज करवाया है। सैकड़ों वन्य जीव, नील गाय, खरगोश, हिरण, काफ़ी पक्षियों को हमने बीकानेर रेस्क्यू सेंटर पहुंचाकर उनकी जान बचाई है। लून करंसर क्षेत्र में काफ़ी रक्तदान शिविर भी हमने लगाए हैं और रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है। और लून करंसर क्षेत्र में लावारिस शवों का भी अंतिम संस्कार हमारी संस्था करती है। लून करंसर क्षेत्र के काफ़ी गुमशुदा बच्चों को भी तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा घूमे हुए बच्चों को हमने ढूंढ कर उनके परिजनों से मिलवाया है। और लून करंसर क्षेत्र में सैकड़ों लोग, जो काफ़ी कुछ लोग तो दो दो तीन तीन साल से अपने घर से निकले हुए थे, काफ़ी लोगों को हमने उनके घर तक उनके परिजनों को मिलवाया है। लून करंसर क्षेत्र में कोई भी मंदबुद्धि बेसहारा लोग आते हैं, उनको हम सुरतगढ़ के पास एक आश्रम है वहाँ उनको हमारी एम्बुलेंस द्वारा भिजवाते हैं। उसके अलावा हमने पर्यावरण पर भी लून करंसर में अभी पिछले दिनों ही हमने 5000 पेड़ निःशुल्क घर घर बंटवाए हैं। और लून करंसर क्षेत्र में पानी में डूबे हुए लोगों की भी हमने जान बचाई है, डूबे हुए शवों को भी हमने बाहर निकाला है। लून करंसर क्षेत्र में एक बार रेल दुर्घटना हुई थी, बड़ी दुर्घटना अर्जुन सर के पास, वहाँ भी हमारी टीम ने पहुंचकर घायलों की मदद की है। महिपाल सिंह जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि लून करंसर में होने वाली जो भी दुर्घटना है या कोई कैजुअल्टी है, वो जब होती है तो सबसे पहले आपको सूचना पहुंच जाती है और पुलिस प्रशासन को बाद में पहुंचती है, उससे पहले आपको पहुंच जाती है, और आप हर वक्त उस कार्य के लिए अग्रसर रहते हैं, हर वक्त आप उस कार्य को करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और आपका फोन, एक आपकी विशेषता है कि आपका फोन 24 घंटे ऑन रहता है, तो आप इस संबंध में कुछ बताएं आप। जी सर, ऐसा है कि हमारी टीम को लून करंसर क्षेत्र में काफ़ी साल हो गए हैं टाइगर फोर्स टीम को सामाजिक कार्य करते हुए। लून करंसर क्षेत्र में कहीं भी घटना होती है तो सर्वप्रथम हमारे पास फोन आ जाता है। लून करंसर की लगभग लोगों के पास मेरे नंबर सेव है, लोगों को ये विश्वास है कि टाइगर फोर्स और महिपाल एक फोन की सूचना पे घटना स्थल पे जरूर पहुंचते हैं। तो कहीं भी घटना होने के बाद मेरे पास सूचना आने के तुरंत बाद में जहां होता हूं वहीं से उस घटना स्थल पे पहुंच जाता हूं। अगर मैं
कस्बे में मौजूद नहीं होता हूं तो मेरी टीम के सदस्य और हमारी एम्बुलेंस चंद ही समय में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। यदि लूनकरनसर क्षेत्र में कोई कैजुअल्टी हो या कोई घटना दुर्घटना हो जाए, सड़क दुर्घटना हो जाए, तो एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था रहती है, उसके क्या मोबाइल नंबर है, क्या व्यवस्था है? सर, हमारे एम्बुलेंस के जो मोबाइल नंबर है, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और लूनकरनसर क्षेत्र की जनता को हमने वो बांट रखे हैं, हमने सभी को दे रखे हैं। हमारे एम्बुलेंस के नंबर है 7064-108-108-7064-108-108। इन नंबर पे आप किसी भी समय कोई भी दुर्घटना स्थिति में फ़ोन कर सकते हैं और चंद ही समय में आपको एम्बुलेंस सुविधा आपके पास हाजिर होगी। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आज के इंटरव्यू को आपने सफल बनाया। तो हमारे दर्शकों से ये आग्रह रहेगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वोट जरूर करें, अपने मत का सही यूज़ करें और 5 दिसंबर 2020 को मतदान जरूर करें। धन्यवाद। तो महिपाल सिंह जी के विचार आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे से जुड़ने के लिए आप इस चैनल 360 डिग्री लूनकरनसर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। तो मिलते हैं लूनकरनसर की अगली नई शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।